आप नजारे देखो यार, ये यकीन नहीं हो रही है इधर आधा बने यार बाइक लेके। तो ये दो जिला पास पर बेहतरीन गिरती हुई स्नो, जबरदस्त। अब देखो कितनी शानदार स्नोफॉल हो रही है, बेहतरीन नजारे हैं बाहर। केव बन गया ये, इधर से जाएगा पूरा उधर टावर के पीछे से आएगा इधर ट्रक, ठीक है, केव टू गया जहाँ पे वो जाता है। अगर सच में जन्नत में जाना है ना सर, उधर नद्रवास। चलो उठाओ गाड़ी, जाओ उड़ाना नहीं आप। नहीं नहीं उठाओ उठाओ। तो ये एडवेंचर बाइक है जो स्नो पे चलती है ये, तो हमें फहद भाई है जिन्होंने गाड़ी हमें दी है चलाने के लिए, तो आज हम इसको चलाएंगे अपनी मर्जी से और दौड़ाएंगे इसको बर्फ में। साउंड सुनो आप, साउंड कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका, एक नंबर साउंड आ रहा है, एक नंबर, बहुत शानदार बहुत शानदार। शानदार शानदार। ये देखो आप नज़ारे देखो यार, ये यकीन नहीं हो रही है इधर आधा बने यार बाइक लेके। कहाँ आ गया अपन, ये जन्नत, यकीन ही नहीं हो रहा इधर आ गया अपन आज। अरे पन्नी लाया क्या? कौन सी पन्नी? अरे वो दोस्तों के लिए लेके चलेंगे ना। अरे हाँ पन्नी में लेके चल रहा है, पर लेके चल। ये देखो ये ब्रावो के लिए, ये गई भोपाल, और ये सबके लिए। पहले रिकॉर्ड चल रहा है मोबाइल से, घूम ले यार। ये एक और वाटर क्रॉसिंग, और अगल बगल में आप देख सकते हैं बर्फ की दीवारें, और बीच में से हम जाते हुए आपके अपने BBL बाइकर भोपाली। अब देखो आप भोपाली कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। देखो उस रूट से हम लोग आए, सामने आपको ट्रक दिख रहा होंगे, शायद ही दिख रहा हूँ कैमरे में, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ मैं कैमरे में, वाकई में वो कुछ भी नहीं है नज़ारे जो हम अपनी आंखों से देखते हैं ओरिजिनल। आंखों को सुकून देना चाहते हो तो निकल पड़ो, आ जाओ यहाँ पर। सर्दियों में ये सारे रास्ते बंद रहते हैं, बल्कि ये अभी अभी खुलना स्टार्ट हुए हैं। वो जो आज डेट है, आज 12 मई है, 12 तारीख है मई की, भोपाल में पड़ रही है खतरनाक धूप, गर्मी में पागल हो रहे हैं लोग इधर, और हम देखो इधर ठंड में कप कप आ रहा है। तो सर्दी में क्या हाल होता होगा, ये पूरे पहाड़ जो है दिखना बंद हो जाते हैं, इतना बर्फ़ होता है यहाँ पे। ये समझ लो 10-10, 20-20 फीट यहाँ पे इस रोड पे बर्फ़ जम जाती है। पीछे आपने दीवार देखी होगी, वो मई की है, तो जनवरी में क्या हाल होता होगा सोचो आप। ये देखो आप दीवारें 10 फीट से ऊँची है, ये क्रेन ने काट काट के यहाँ से रास्ता क्लियर किया है। मई में यह हाल है बताओ, अभी इसका खुलना शुरू हुआ है, ये समझ लो सीज़न अभी इसका स्टार्ट ही हुआ है, कभी 6 महीने तक चलेगा, उसके बाद अक्टूबर में बंद होना चालू हो जाएगा, फिर स्नोफॉल होगी सब बंद हो जाएगा। ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुके हैं, अव्वल टाइम जिसको कहते हैं। देखो यहाँ पे अभी भी बर्फ़ गिर रही है, देखो इस शेड से अंदाज लगा लो, ये अभी गिरी है बर्फ़, कल या आज सुबह गिरी है। पे खतरा भी है डर भी है, लेकिन कहते हैं ना डर के आगे जीत है। देखो आप सामने पहाड़, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह की कुदरत देखो आप। ये सब चीज़ें देख के तो ईमान और ताज़ा हो जाता है कि अल्लाह ने क्या नज़ारे बनाए दुनिया में। जब दुनिया ऐसी है तो जन्नत कैसी होगी, जन्नत में जाने के लिए जन्नत वाले काम हमको करने होंगे, सबसे पहले तो अल्लाह पर ईमान, उसके बाद नमाज, रोज़ा और ज़कात, क्योंकि हर मुसलमान का फर्ज कि आज का दो जिला। ये व्यू पॉइंट खतरनाक नज़ारे हैं डॉक्टर आप। एक नंबर। अकेले आप सोलो? एक्चुअली मैं अनसोलो।
अच्छा बहुत जिगर चाहिए भाई इसके लिए। चलो मिलते बहुत देर से हमें नज़र आ रहा है वो आगे पीछे हम लोग चल रहे हैं साथ में। कर्नाटका से आए भाई अकेले रॉयल इनफील्ड पर, तो अकेले आने के लिए भी जिगर चाहिए भाई। मैं तो आ रहा था लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे आने नहीं दिया, खास तौर पर समीर ने, तो बोला भाई अकेले नहीं जाओगे तुम, मैं चलूँगा साथ में, थोड़ा रुक जाओ। 15-20 दिन पहले हम लोगों का प्लान बना था रुक के समीर के साथ में, अब आए हम यहाँ। तो ऑलरेडी अभी यहाँ पे 6 दिन हो चुके हैं और अभी हम आज कारगिल पहुँच जाएंगे और उधर वाटर क्रॉसिंग जूते बचाते हुए ऊँचे कर लेता हूँ। आज हम कारगिल में स्टे करेंगे क्योंकि ले जाना तो पॉसिबल नहीं है। 113 किलोमीटर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए है और टाइम हो रहा है 4:09। देखो आप नज़ारे को देखो माशाल्लाह कितने खूबसूरत। कैमरे में बैटरी नहीं बची है ज़्यादा लेकिन मन ही नहीं कर रहा कि उनको रिकॉर्ड कैसे ना करें यार, यहाँ तक आए तो उनको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। देखो बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बर्फ, ये देखो ये बेहतरीन। भोपाली भाषा में बोला जाए तो कर्री बर्फ हो रही है, हालांकि बर्फ नरम होती है लेकिन हम लोग बोलते हैं अच्छी चीज़ को कर्री। अभी हमारे दोस्तों को फ़ोन लगाएंगे ना तो वो कहेंगे कर्री बर्फ हो रही है यार यहाँ पर। उन लोगों आगे कोई मसला तो नहीं है, खड़े हैं लोग। तो देखो पहाड़ के बीच में हम लोगों को जाना है, वहाँ देखो कितनी मोटी बर्फ पहाड़ के ऊपर, ये देखो ऊँचे ऊँचे पहाड़, ये टोटल बर्फ, ये वाटर क्रॉसिंग है, इसमें से निकलती हुई हमारी डोमिनार, और वो भी अभी टायर दिखाऊंगा मैं आपको इसकी कंडीशन क्या है। पहली चीज़ तो ये ऑफ रोडिंग टायर नहीं है, ये रोड टायर है और उसमें भी 50-60% बचे हैं। और एक और भाई हमारे बाइकर राजस्थान से सफ़र करते हुए, जैसे ये देख सकते काली पड़ गई, ये पुरानी बर्फ है, इसके ऊपर जो एकदम वाइट चमक रही है ये बिल्कुल ताज़ी बर्फ है, जैसे ये पूरी ताज़ी बर्फ है। देखो आप सामने, अपनी लाइफ में नहीं देखे मैंने इससे अच्छे मंदिर। रास्ते में जो हमको गर्मी लगी, ट्रैफिक मिला, जो धूप हम लोगों ने खाई 3-4 दिन, ये मंदिर देख के सब भूल गए। बर्फ पिघल के गिर रही है नीचे से, जो पानी दे रहा है ना बर्फ ही पिघल रही है। और अच्छी बात यह है कि धूप है, अभी मौसम खुला हुआ है, अगर बारिश हो जाएगी यहाँ पे तेज तो एडवेंचर जो है एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाएगा, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये देखो आप ताज़ी ताज़ी बर्फ, इनको छूना तो बनता है यार। यहाँ पे हम लिखेंगे गाड़ी को आगे लेंगे, एल बाइकर,
वहाँ पे गाड़ी जो है माइलेज बहुत कम दे रही होगी क्योंकि पहाड़ पे चल रही है और ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पे कम है। अभी तक तो हमारी बाइक ने भोपाल से लेके यहाँ तक 30, 31, 29 इसके आसपास ही माइलेज निकाला। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, पेट्रोल की बड़ी दिक्कत हो गई थी, जल्दी जल्दी में हम लोग फ्यूल नहीं भरवा पाए थे गाड़ी में सोनमार्ग से। श्रीनगर से हम लोग पेट्रोल नहीं भरवा पाए थे जल्दी जल्दी में क्योंकि हमें ये पता था 11 बजे से पहले पहले पहुँचना है, हमको क्रॉस करना है सोनमार्ग, 11 बजे के बाद जाने नहीं देंगे ऐसा सुना था, तो हम इसलिए जल्दी जल्दी आ गए और सोचा सोनमार्ग में ही भरवा लेंगे पेट्रोल, लेकिन वहाँ पे हमको पंप दिखा नहीं और हमारी गाड़ी में सिर्फ आधा या 1 लीटर पेट्रोल ही बचा था और रास्ते बंद थे। हम लोग मार्केट घूमते रहे, शॉपिंग करते रहे, जूते वूते ग्लव्स खरीदे, तभी रोड उन्होंने खोल दिया। अब हमारे बाइक में पेट्रोल नहीं वो तो अच्छा हुआ, पूछते पाछते हमने लोकल में एक चच्चा मियाँ बेच रहे थे तो उनसे 10 लीटर पेट्रोल खरीद लिया, 5-5 लीटर डाल लिया दोनों की गाड़ी में, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे टारगेट, बाकी फिर वहीं से पेट्रोल भरवा लेंगे। तो ये देखो क्या हिसाब से ड्राइव, K1 जाओगे K2 जाओगे? एक मिनट बोलो भाई कहाँ है K1? राइट, K1 गया ये इधर से जाएगा पूरा उधर टावर के पीछे से आएगा इधर ट्रक, ठीक है K2 गया जहाँ पे वो जाता है। अगर सच में जन्नत में जाना है ना सर, वो गया उधर लद्रवास, इसी से जाएंगे? हाँ लद्रवास जाएगा, यशमा खासुम नहीं जिस ब्रो कहूँ चला। तो ये मतलब अपन हम चलाएंगे या आप चलाओ? भी चलाएगा ये भी चलाएगा, जब लगेगा इसको प्लेन में फुल आप ही चलाएगा। पैसे K1 में जाएगा सर, K1 में जाएगा आपको 1800, K2 में जाएगा 2500, K3 में जाएगा 3500। एक भाई और आ रहा है हमारा, उसका वेट कर लेते हैं, कोई टेंशन फिर बताते हैं, और थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह जो भी होगा बात कर लेंगे ना। क्या नाम है आपका? फरहाद। फरहाद भाई मेरा नाम है आरिफ, भोपाल से आ रहे हैं हम। चलते रिकॉर्डिंग चल रहा है, हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो BPL बाइकर के नाम से आपका चैनल सर्च कर लो। ओए उड़ वाला ये भाई, ये मत बोलो आप नहीं हो बारा, रोक लेगा रोक लेगा वो, आ जा वो भी है वो चला नहीं, वो नहीं है दो ही है। हां बस था अब बताओ क्या नाम बताया था तुमने अपना? फरहाद। फरहाद भाई तो ये हमको घुमाने वाले कौन सी बाइक पे अपनी? ये वाली खान। इसमें क्या इंजन कितने सीसी का होता है? 550 सीसी का। तो चलो अब हमारी राइड होने वाली है इसमें, फिर आगे चल के हम चलाएंगे इसको और हम जाएंगे वहाँ दूर, तो चलो चलते हैं। पहले मैं बैठूं? आप बैठो भाई साहब। हेलो हेलो
शानदार यार, बहुत शानदार। तो ये रुको, ये रुको, यहाँ तो बहुत वीडियो 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 बना रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अब अपन दूसरे स्टाइल से बनाएंगे। बना रहे हैं भाई, तो हम तो दूरी पे। अरे अब हम बनाएंगे। शॉट रिकॉर्डिंग हो गए? हाँ हो गया। आप दिख रहा हो? हाँ हाँ, मैं तो, अरे भाई मैं दिख रहा हूँ जरा। आपका क्या नाम है? मेरी बेटी उमर। उमर भाई, अरे माशाल्लाह खूबसूरत नाम है तुम्हारा यार। उमर रैना। कैमरे पे नहीं मारा? चलो चलो उठाओ गाड़ी, जाओ। उड़ाना नहीं आपको? नहीं नहीं उठाओ उठाओ। अच्छा मुझे बता दो इसके बारे में। देखो ये एक्सीलेटर है, पहले बता दो कैसे चलना। सब कुछ कंट्रोल ये है, इससे भागेगी, ये चलेगा, ये छोड़ेगा प्लेन में जब होगा ना, ये रुकेगा, वो ब्रेक है, ब्रेक तब दबाना है जब इधर से चलो। एक मिनट रुक जाओ। चलो बाबा, ये अपन ने हैंड ब्रेक अभी लगा हुआ, बस कुछ नहीं, बस ये दबाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भैया ये कौन सी गाड़ी, गाड़ी का नाम बताओ? ये एडवेंचर। तो ये एडवेंचर बाइक है जो स्नो पे चलती है ये। तो हमें फहद भाई है जिन्होंने गाड़ी हमें दी है चलाने के लिए, तो आज हम इसको चलाएंगे अपनी मर्जी से और दौड़ाएंगे इसको बर्फ में। साउंड सुनो आप, साउंड कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका, एक नंबर साउंड आ रहा है, एक नंबर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये पहली पहली बार है। क्या हुआ? उसकी वीडियो बनाना ना अपन को। अच्छा अच्छा, यहाँ से जल्दी निकलना है। तो इसके नीचे से पानी आ रहा है, तो यहाँ पर रुकना नहीं है। बाबा एक नंबर। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और देख सकते हैं आप, जस्ट अभी अभी स्नोफॉल शुरू हो चुका है। बेहतरीन। ये आ चुका है हमारा फर्स्ट पास, जोजीला पास, 11,649 फीट की ऊंचाई पर। और अभी अभी देख सकते हैं कितनी शानदार स्नोफॉल हो रही है। अभी अभी हम लोगों ने एडवेंचर राइड की है। कैमरा डिस्चार्ज हो गया, वरना उसके बहुत अच्छे शॉट मिलते हैं हमको, बट ठीक है जो भी है, जैसा भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। और ये देखो यहाँ पे धोखा हो रही है, यहाँ पे धोखा हो रही है। एक नंबर। हाँ तो समीर भाई क्या कर रहा है? ये लेके आना दोस्तों के लिए जो नहीं आए, उनके तशरीफ के नीचे रख देना, जितनी जल्दी वो ठंडी हो जाएगी। तो ये है कुछ यहाँ के नज़ारे। और ये फर्स्ट रोजीला पास 11,649 फीट की हाइट पर हमने क्रॉस कर लिया है। इट्स स्नोइंग। तो फिर चलिए यहाँ से निकलते हैं, स्नो गिर रही है, अंधेरा ना हो जाए। इतने नज़ारे हैं देखने के लिए, क्या बताएं। देखते रहेंगे तो दिन ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ के नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे। तो चलो फटाफट निकलते हैं हम यहाँ से। तो ये जोजीला पास पर बेहतरीन गिरती हुई स्नो, ज़बरदस्त। थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रखेंगे तो गाड़ी फुट जाएगी। चलो बहुत ही देर हो गई, अब तो निकला जाए। अब देखो कितनी शानदार स्नोफॉल हो रही है, बेहतरीन नज़ारे हैं बाहर। अभी हम कारगिल के करीब पहुँचे हैं, कारगिल बहुत दूर है अभी, लेकिन यहाँ पे एंट्री वगैरह करना होती है, तो बाइक की हमने एंट्री कर दी, अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल दिया है। तो हम लोग कारगिल जाते जाते ये द्रास पे ना,
द्रास में यहाँ रुक गए हैं क्योंकि स्नोफॉल काफी ज्यादा हो रही थी, बारिश हो रही थी और ठंड में हो रही थी, हालत खराब। तो हमें भाई मिले रास्ते में, इनका मेन रोड पे होटल है मुदस्सिर भाई, है ना। तो अब हम लोग बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं, ये देखिए यहीं चाय बनाई हम लोगों ने। कैसी सर भोपाल की चाय? एक नंबर चाय ना। तो बस बाकी सामान देख सकते हैं आप, जो जो गीला हो गया था उसको सुखा रहे हैं। भाई ने एक बड़ा वाला हीटर दे दिया था हमें, तो उससे रूम थोड़ा गर्म हो गया। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी यहाँ पर, भोपाल में तो गर्मी पड़ रही है लेकिन यहाँ बहुत ठंड है। चलिए अब कल का हमारा प्लान जो है, यहाँ से हम जाएंगे सीधा लेह की तरफ और कल रुकेंगे हम लेह में 2 दिन, उसके बाद निकल जाएंगे मनाली के लिए। तो इस वीडियो को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। समीर भाई तो सो गए घुराटे मार के, तो हम लोग अब मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।